हेलो एवरीवन, तो फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अविजन, अविजन फॉर गवर्नमेंट जॉब पे। तो हर रोज की तरह हम आज भी आपके लिए टॉप 10 करंट अफेयर्स लाए हैं। उसके पहले हम रिकैप सेशंस लेके आते हैं और जो भी आपको हम होमवर्क देते हैं उस पे हम उसको ध्यान देते हैं कि कितने लोगों ने कमेंट दिया है और कितने लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। तो चलिए डेली की तरह आज का भी करंट अफेयर सेशंस को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रीवियस में आपको जो पढ़ाया गया करंट अफेयर्स, एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं ताकि आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी तक वो चला जाए करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल, उन्होंने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। तो याद कीजिएगा कि इसमें बोला गया है किस स्टेट के लॉन्च किया है। तो याद रखिए जो स्टेट का नाम है उस राज्य का नाम है हरियाणा और इसके चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है और कौन सा योजना इन्होंने लॉन्च किया है। सेकेंड देखिए, सेकेंड में बोला गया है केरल के जो फाइनेंस मिनिस्टर है मिस्टर टीएम थॉमस, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो बैन करेंगे सीएफएल एंड फिलामेंट बल्ब्स को नवंबर 2020 तक। नेक्स्ट नंबर थर्ड में बोला गया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो फरीदाबाद में है उसका रीनेम कर दिया जाएगा, मतलब उसका नेम चेंज कर दिया जाएगा और उसका नया नाम होगा अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट नंबर फोर में बोला गया है वाइस प्रेसिडेंट, आपके वाइस प्रेसिडेंट कौन है आप जानते हैं, एम वेंकैया नायडू। इन्होंने एक बुक को रिलीज किया है जिस बुक का नाम है अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी। अब ये बुक जो है इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखा है, किसके नाम पे है तो ये याद रखिएगा, प्रोफेसर के रामाकृष्णा राव। नंबर फिफ्थ में बोला गया है कि हरियाणा के जो गवर्नमेंट है, हरियाणा की सरकार ने लॉन्च किया है रीडिंग मिशन हरियाणा। इसका सिंपली फोकस क्यों किया जा रहा है इस योजना में कि जो हायर एजुकेशन जो स्टूडेंट होते हैं उनका जो हैबिट है पढ़ने का, उसको रीडिंग करने का, उसको इंक्रीज किया जाए। नेक्स्ट नंबर सिक्स में देख लीजिए, बोला गया है एक तरह का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो भारत और यूके यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुआ है। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और यूके के बीच में हुआ है, तो याद रखिएगा अजय वारियर। और याद रखिएगा अजय वारियर जो है ये कौन से एडिशन का है, हो सकता है फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ दे दे, तो याद रखिए ये फिफ्थ एडिशन है जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और यूके के बीच में हुआ है और इस एक्सरसाइज का नाम है अजय वारियर। नेक्स्ट चलते नंबर सेवन में, प्रेसिडेंट जो है रिपब्लिक साउथ अफ्रीका के मिस्टर सिरिल, इनको फिर से इलेक्टेड किया गया है चेयरमैन ऑफ अफ्रीकन यूनियन फॉर वन ईयर। एक साल के लिए जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है उनको फिर से इलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट नंबर एट में देख सकते हैं डेडली विंटर स्टॉर्म जिसका नाम है सीरिया, ये कहां पे अफेक्ट किया है, इसने हिट किया है वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न यूरोप को। नेक्स्ट नंबर नाइन में देखिए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है दो इंडेक्स, उस इंडेक्स का नाम क्या है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड परफॉर्मेंस इंडेक्स। हमने बता दिया कि ये दो इंडेक्स में लॉन्च हुआ है, अब इस दोनों इंडेक्स में भारत क्या क्या रैंक है ये आप कमेंट सेशन में बताइए कि भारत को क्या रैंक मिला है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में और परफॉर्मेंस इंडेक्स में। और साथ ही साथ ये बताइए कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और परफॉर्मेंस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है, इस रिपोर्ट को कौन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रिलीज करते हैं। नेक्स्ट नंबर 10 में पूछा है कि दिल्ली असेंबली में कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी थे, तो 770 थे। और साथ ही साथ आपको पता है कि दिल्ली का इलेक्शंस हो गया है, रिजल्ट भी अनाउंस हो गया है, तो आपको पता है कि दिल्ली में किसकी सरकार बन चुकी है। तो चलते हम अपने अब टॉप 10 करंट अफेयर्स जो हम आपके संग डेली शेयर करते हैं। तो चलते हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे, व्हेन इज द वर्ल्ड पल्स डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। ये पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड का पल्सेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, फरवरी 10। अब ये याद रखिए, इसमें याद रखने वाला इंफॉर्मेशन क्या है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अनाउंस किया है कि 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे को मनाया जाएगा। और इसको लेड कौन करता है, इसको लीड कौन करता है, तो याद रखिए द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ ये दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है, जो न्यूट्रिशंस हमें मिलता है दाल से, ये सब हमें पता होना चाहिए कि पल्सेस में दाल सिरिल्स सब चीज आते हैं, तो ये जो न्यूट्रिशंस होता है वो हमें पता होना चाहिए क्या क्या न्यूट्रिशंस हमारे बॉडी को जरूरत होता है और क्या क्या चीज हमें अपने बैलेंस डाइट में करना चाहिए। तो याद रखिएगा वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जाता है 10 फेब को। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, Which union ministry has recently launched the web portal for star rating of coal mines? आपसे ये पूछा जा रहा है कौन से यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर रिसेंटली अभी लॉन्च किया गया है एक वेब पोर्टल जिसका नाम है स्टार रेटिंग ऑफ कोल माइन। तो याद रखिए आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ कोल। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल एंड माइंस अभी कौन है हमारे यहाँ पे, तो याद रखिए
श्री प्रहलाद जोशी। साथ ही साथ ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइन ने इन्होंने जो एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम है स्टार रेटिंग ऑफ कोल माइन। इसका एम क्या है, मकसद क्या है इसको लॉन्च करने का, या बोल सकते हो इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो याद रखिए, यहाँ पे सरकार प्रमोट करना चाहती है ग्रीन, सेफ एंड सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिस। जो ये माइनिंग होता है वो माइनिंग को इतना ईजी वे में करना चाहती है ताकि लोगों के हेल्थ में कोई प्रॉब्लम ना हो, और साथ ही साथ एक अच्छे टेक्नोलॉजी टूल के संग हम यहाँ पे कोल का माइनिंग कर सके। और एक और चीज आपसे इससे पूछ सकता है कि सीसीओ का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिए सीसीओ का फुल फॉर्म है कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशंस। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज द पब्लिक एंटरप्राइज सर्वे ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी यूनियन मिनिस्ट्री है जिसने रिलीज किया है पब्लिक एंटरप्राइज सर्वे को अपने परफॉर्मेंस देखते हुए कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में उनका क्या परफॉर्मेंस है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज। तो याद रखिए यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनके बारे में बताया जा रहा है। तो सबसे पहला आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये होता है कि मतलब ये जो 3 सालों में 3 consecutive year में कौन सी ऐसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो लॉस मेकिंग हुई है। तो उनका नाम याद रखिएगा, BSNL, एयर इंडिया एंड MTNL। और अगर आपसे पूछ ले इन 3 consecutive year मतलब ये जो ईयर है उसमें कौन सी ऐसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो प्रॉफिट मेकिंग है, जो सरकार को पैसा कमा के दिए, प्रॉफिट कमा के दिए, तो याद रखिए उसके नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशंस, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशंस एंड NTPC। तो टॉप लॉस मेकिंग भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मैंने आपको बताया, टॉप प्रॉफिट मेकिंग भी, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ याद रखिएगा कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज के अंदर काम करती है, इन्होंने ही रिलीज किया है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का सर्वे। तो आप मुझे ये बताइए कि अभी हमारे यहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज कौन इस पोस्ट को होल्ड कर रहा है, प्लीज उनका नाम कमेंट सेशन में बताइए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। Which bird is named the mascot of UN Conventions of Conservations of Migratory Species, COP 13? तो आपसे ये पूछा जा रहा है कौन सी ऐसी बर्ड है जिसका नाम मैस्कोट ऑफ यूएन कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेशंस ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज में दिया गया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब याद रखिएगा द लोगो, मैस्कोट एंड वेबसाइट जो है 13 Conference Party। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन में पूछा था COP 13 का मतलब होता है, फुल फॉर्म याद रखिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। इसको लॉन्च किया गया था हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज किसके अंदर है, तो याद रखिए डॉक्टर हर्षवर्धन। साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि द मैस्कोट जो इवेंट हुआ था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, इसका फॉन्डली नेम क्या दिया गया था, तो इसका नेम था गीबी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। वर्ल्ड रेडियो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, आपसे ये पूछा जा रहा है वर्ल्ड रेडियो डे हम कब मनाते हैं। तो याद रखिए आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 13 February। अब यहाँ पे आता है कि वर्ल्ड रेडियो डे को हम सेलिब्रेट करते हैं 13 फेब को। वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, सबसे बड़ा बात है कि आज के हमारे टाइम में ये जो हमारी लाइफ चेंजिंग हो रही है, यहाँ पे सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर मुझे आपके तरफ पहुँचाना है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं और आप एक जगह फेस टू फेस बैठे। जिस तरह देख लीजिए आप मेरा ये वीडियोज़ देख रहे होंगे या देख रहे हैं, तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपके पास नहीं हूँ ना आप ही मेरे पास है, ये सब डिजिटल है, फिर भी आपके तरफ मेरा इन्फॉर्मेशन जा रहा है, आपके जो अवेयरनेस है उसको मैं बढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे वर्ल्ड रेडियो डे इसलिए मनाया जाता है ताकि एक अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके और लोगों को आपस में एक किया जा सके, ठीक है। तो याद रखिएगा वर्ल्ड रेडियो डे को एस्टैब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन रेडियो के द्वारा, और ये एस्टैब्लिश हुआ था 1946 में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑफिशियली नेम द डिजीज कॉज्ड बाय द न्यू कोरोना वायरस एज। आपसे ये पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी ऑफिशियली एक जो डिजीज है जिससे आप फैमिलियर हो, आप सब जानते हो कोरोना वायरस, उसके बारे में उसका क्या नया नाम दिया है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, COVID-2019। याद रखिए कोविड, COVID। अब यहाँ पे जो WHO है, कुछ दिन पहले आप करंट अफेयर्स वीडियोस में देखे होंगे कि WHO ने यहाँ पे डोनेशंस भी किया था इस कोरोना वायरस के लिए। तो WHO ने ये अनाउंस किया है कि इसके लिए वैक्सीन जो है, मतलब जो दवाइयाँ हैं वो 18 मंथ में रेडी हो जाएंगी। और यहाँ पे जो ये कोरोना वायरस है नया, ये 4 तरह का डिवाइड किया गया है, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा में, जिनको हम लोग जो नॉटिक भी कहते हैं। और साथ ही साथ WHO ने कहा है
कि ये जो कोरोना वायरस है इसका यहाँ पे ये बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन में, और साथ ही साथ ये गामा और जो डेल्टा कोरोना वायरस है, ये याद रखिएगा मैंने आपको चार तरह का कोरोना वायरस बताया है जिसमें से गामा और डेल्टा कोरोना वायरस जो है वो जनरली इन्फेक्ट होता है बर्ड से। याद रखिएगा बर्ड से कौन सा कोरोना वायरस इफेक्ट हो रहा है आपके, गामा एंड डेल्टा, और अल्फा और बेटा जो है वो रिसाइड हो रहा है मैमल से, मैमल्स में हम सब भी आते हैं। तो फोर टाइप्स का कोरोना वायरस है, फिर से मैं बता दे रही हूँ, अल्फा बेटा गामा डेल्टा, जिसमें से गामा और डेल्टा कोरोना वायरस इन्फेक्ट हो रहा है बर्ड से और अल्फा और बेटा जो वायरस है आपका ये रिसाइड हो रहा है आपके मैमल से। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। द वर्ल्ड यूनानी डे इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन फेव एवरी ईयर। तो आपसे ये पूछा जा रहा है ये जो वर्ल्ड यूनानी डे है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 11th फरवरी। अब याद रखिए कि वर्ल्ड यूनानी डे किसके बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपका यहाँ पे आंसर होगा हाकिम अजमल खान। अब यहाँ पे यूनानी डे का मतलब कुछ ऐसा नहीं है, ये यूनानी डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि ग्लोबली स्प्रेड किया जाए अवेयरनेस अबाउट हेल्थ केयर, कि हम अपने हेल्थ को किस तरह से अच्छा कर सकते हैं या अच्छा रख सकते हैं, इसके लिए यूनानी डे को सेलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए बचपन से ही हमें पढ़ते आ रहे हैं हेल्थ इज वेल्थ, अल्टीमेटली आपका हेल्थ ही आपका वेल्थ है। कुछ भी हो लेकिन अगर आपके पास आपका हेल्थ नहीं है तो इसका मतलब जान लीजिए आप वेल्दी नहीं हो। तो हेल्थ और वेल्थ को याद रखिए कि हेल्थ ही आपका वेल्थ है। और साथ ही साथ देख लीजिए मेन एम क्या होता है वर्ल्ड यूनानी डे का, कि स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट यूनानी मेडिकल सिस्टम इट्स प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव। और एक चीज और याद रखिए, यहाँ पे जो हमारे आयुष मिनिस्टर है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था इसको, और यहाँ पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसको अटेंड किया था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए बनता है कि आयुष का फुल फॉर्म क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। लाल रामसामी इज इंडियन हॉकी प्लेयर, सी बिलोंग्स टू विच स्टेट। पूछा जा रहा है कि ये इंडियन हॉकी प्लेयर किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। और साथ ही साथ याद रखिए कि यहाँ पे ये जो है इनको 2019 का वुमेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पूछा मिला है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर किसको मिला है, तो याद रखिएगा विवेक सागर प्रसाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। ये जो क्वेश्चन है नंबर 9, ये आप सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड और काफी फिलहाल में ही है, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चंस पे। इन विच कंट्री द अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप वॉज हेल्ड। आपसे ये पूछा जा रहा है अंडर 19 वर्ल्ड क्रिकेट जो है वो किस कंट्री में, किस देश में हेल्ड हुआ है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी साउथ अफ्रीका। अब ये क्यों है आप सब जान गए होंगे कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में हुआ था, जिसमें बांग्लादेश सबसे पहली बार, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश वन किया ये टाइटल इंडिया को बीट करके। तो ये पहली बार हुआ है, ऐसा कोई है नहीं कि इसके पहले बांग्लादेश जीता था, तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है हिस्ट्री में। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1998 में। और यहाँ पे ICC का फुल फॉर्म आप सबको पता ही है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अंपायर जो यहाँ पे मैचेस के दौरान आए जाते हैं, अपॉइंटेड किए जाते हैं, वो ICC के द्वारा ही किए जाते हैं। और IT ने फाउंडेड किया था 1909 में, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव कंट्री थी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। तो ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश टीम ने बीट किया है इंडिया को और विन किया है ICC अंडर 19 टाइटल को। तो चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्लिम फिश कॉन 2020 एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इकोसिस्टम फिशरी एंड फूड सिक्योरिटी विल बिंग ऑन। सिंपली आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो क्लिम फिश कॉन 2020 का है उस पे जो ये दिखाया गया है कि जो इम्पैक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज से, ये किस स्टेट के द्वारा बताया गया है, तो याद रखिए आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी केरल। अब यहाँ पे आपको याद होगा कि इस बार बजट में, यूनियन बजट में फिशरी द्वारा भी सरकार एक योजना लेके आई है, उस योजना का नाम है सागर मित्रा 3477। सागर मित्रा को 500 फार्मर के संग मर्ज करके सरकार चाहती है कि फिशरी का एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए, और फिशरी में सरकार 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एलोकेट कर रही है फंड, और साथ ही साथ सरकार ने कहा है कि 200 लाख टन्स फिश का प्रोडक्शन बढ़ाएगी। टारगेटेड एरिया भी सरकार ने बता दिया है 2020 एंड 2021, या आप कह सकते हो 2023 से 2024। आप मुझे ये बताइए कि सरकार ने जो ये कहा है कि 1 लाख करोड़ जो
ये एलोकेट फंड कर रही है फिशरी को एक्सपोर्ट करने के लिए, उसका टारगेटेड एरिया क्या होगा? तो आपको टारगेटेड एरिया मुझे बताना है 1 लाख करोड़ जो फंड एलोकेट कर रही है। और साथ ही साथ याद रखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि क्लाइमेट रिलेटेड चेंजेस से ओशन, मैरिन, इनलैंड इकोसिस्टम, ये जो हमारे जो भी जीव जंतु होते हैं ओशन में, उनका काफी उनके पे प्रॉब्लम हो रहा है। हमेशा याद रखिए कि इको फ्रेंडली, अगर आज आप डिफॉरेस्टेशन करते हैं, अगर आज हम प्लांट को काटते हैं या ट्री को काटते हैं, तो अल्टीमेटली आने वाला टाइम हमें ही प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे इको बैलेंस में चलता है, कहीं ना कहीं हम भी प्लांट और एनिमल में डिपेंड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट और एनिमल हम पे डिपेंड है, हमारा जो ये सिस्टम है पूरा एक दूसरे पे डिपेंड है। इससे ज्यादा डिफॉरेस्टेशन करना आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें ऑक्सीजन खरीदना पड़ जाए। आज तो सिर्फ हम पानी ही खरीद रहे हैं, आने वाले टाइम पे कहीं ऑक्सीजन के भी प्रॉब्लम हमें ना हो जाए। तो इस चीज को याद रखिए, सेव कीजिए ज्यादा से ज्यादा पानी को और अपने प्लैनेट को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब अपना स्टेट ऑफ द डे। तो आज स्टेट ऑफ द डे मैंने आपके लिए लिया है मिजोरम। कैपिटल क्या है इसका? आइजोल। डिस्ट्रिक्ट कितने इसमें? 8 याद रखिएगा। लैंग्वेज कौन सा बोला जाता है? मिजो और इंग्लिश। साथ ही साथ अगर आपसे पूछे कि ये फॉर्म्ड कब हुआ था, तो 25 फेब 1987 में। इसका फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब ये देखने में अगर आप फिजिकली बताओ तो ये स्टेट कैसा है, इसको बोला जाता है लैंड ऑफ हिल्स। यहाँ पे बहुत सारे हिल्स जो होते हैं आपको मिलेंगे। अगर इंडस्ट्री पूछे तो सेरिकल्चर, इसका मतलब होता है सिल्क प्रोडक्शन, साथ ही साथ हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट। ज्यादा तो लोग यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट होते हैं, आप बोल सकते हो कॉटेज स्केल इंडस्ट्रीज यहाँ पे सेटअप होती है। एग्रीकल्चर में आता है राइस, मतलब चावल, कॉर्न, कॉटन एंड वेजिटेबल्स। साथ ही साथ अगर जियोग्राफिकल इंडिकेटर पूछेगा तो याद रखिएगा मिजो, चिली। स्टेट एनिमल देख लीजिए, इस राज्य का एनिमल का नाम क्या है? सीरो। अगर पूछेगा कि स्टेट बर्ड क्या है तो आप सबको पता है ह्यूमी पिजेंट। अगर आपसे पूछे स्टेट फ्लावर क्या है तो याद रखिएगा रेड वांडा, वी है, याद रखिएगा पी नहीं है, रेड वांडा। और साथ ही साथ स्टेट ट्री का नाम है आयरन वुड। हाँ, अगर आपसे ये पूछ ले बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तो याद रखिएगा इंडो बर्मा नॉर्थ ईस्ट। तो ये जो था स्टेट ऑफ द डे, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे वो हमने आपके संग शेयर किया। तो चलिए अब हम आपको होमवर्क देते हैं कि अब आपका काम क्या है और आपको इस बार होमवर्क में क्या क्वेश्चंस दिया जा रहा है। ये जो क्वेश्चंस है वो रिलेटेड है आपके बजट से, क्योंकि बजट फिलहाल अभी चल रहा है, तो बजट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इस बार किसी भी एग्जाम में अपियर कर रहे हो। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द रिसेंट यूनियन बजट 2020-2021, वट इज द डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट फॉर 2020-2021। सिंपली आपसे ये पूछा जा रहा है इस बार का जो यूनियन बजट है 2020 और 2021 का, उसमें सरकार ने कितने लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट, जो प्राइस बोल सकते हो या मनी जो हो सकता है, वो सरकार ने अनाउंस किया है। तो आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, आप बताइएगा इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला जा रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम इंश्योरेंस प्रोवाइडेड फॉर बैंक डिपॉजिट एज पर द लेटेस्ट यूनियन बजट 2020-2021। तो सिंपल है ये भी, इसमें भी आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप सबको पता है कि आरबीआई की सब्सिडरीज है डीआईसीजीसी, जिसका फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो डीआईसीजीसी के द्वारा आरबीआई जो है हर एक डिपॉजिटर को 1 लाख तक का इंश्योरेंस कवर देती थी, तो इस बार बजट के दौरान वो 1 लाख को इंक्रीज कर दिया गया है। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि कितने अमाउंट में उसको इंक्रीज किया गया है। कल तक जो इंश्योरेंस कवर आपको 1 लाख का मिलता था, आज वो कितने का मिलेगा? तो ये जो 2 होमवर्क है बहुत इजी है, अगर आपने हमारा बजट का सेशन देखा है यूट्यूब पे तो आप इसका आंसर जरूर दे पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं लास्ट डे का होमवर्क का क्वेश्चंस क्या था। पहला क्वेश्चन था आपका, विच स्टेट हैज अनाउंस दैट इट विल लॉन्च एन इंटर्नशिप स्कीम फॉर कॉलेज स्टूडेंट। आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अनाउंस किया है इंटर्नशिप स्कीम कॉलेज स्टूडेंट का। तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। सेकेंड आंसर है आपका यहाँ पे क्वेश्चन के साथ कि इंडिया विल होस्ट इट्स फर्स्ट एवर कल्चर फेस्टिवल इन कोलैबोरेशन विद दिस नेशंस ऑन फेब। भारत जो है अपना सबसे पहला
कल्चर फेस्टिवल कोलैबोरेशंस किस नेशन के संग मना रही है? तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर सी, इसराइल। तो पहले वाले का उत्तर प्रदेश आंसर था, दूसरे वाले का इसराइल था। तो देख लेते हैं कितने बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया था। तो यहाँ पे अनिकेत कुमार सिंह जो है उन्होंने करेक्ट आंसर दिया है, साथ ही साथ यहाँ पे अर्पिता रॉय ने दिया है, चीनू शर्मा ने दिया है, अजय प्रशांत ने दिया है। तो जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया है बिल्कुल चलिए उनके लिए अच्छी बात है। और बाकी लोग देखिए जो लोग आंसर नहीं देख रहे हैं लेकिन आप हमारा वीडियोस देखते हो, तो आई होप कि प्लीज आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स देखते हो और आप होमवर्क करते हो तो कहीं ना कहीं आप ही का करंट अफेयर्स अच्छा होगा। तो चलिए आज का हमारा रिकैप सेशन, टॉप 10 करंट अफेयर्स क्विज और साथ ही साथ स्टेट ऑफ द डे, होमवर्क भी मैंने आपको दे दिया और लास्ट जो आपका होमवर्क था वो भी मैंने आपके संग डिस्कस कर लिया। तो आज का हमारा सेशंस यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको हमारे सेशंस अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।